तो अभी कमर से इल्जाम रह गए इन लोगों पे, तो इतने नहीं होंगे जितने मुझ पे हैं। आप पे तो कुछ ज्यादा है, बस इनसे जरा मैं निपटा लूं, प्लीज प्लीज निपटा लूं, फिर आपकी तरफ आती हूं मैं इल्जाम के। और आपने जज भी करना है साथ साथ, कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल, ये तो वैसे मेरी बच्ची तो है ना, लेट आए संभल तो निकल गई इल्जाम से, उसके एक्सप्रेशन देखे मुश्किल है पता चलना, लेकिन पता चला कि फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ तोड़ चला लूं बीच में। चलिए जी कवर, आपने पहले सबसे पहले ये कहेंगे जी, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बेचारा अच्छा एक्टर है। हाँ जी जी, आप इल्जाम है कि आप अपने दोस्त का ऑडिशन देखने गए थे और उसकी जगह खुद ही सिलेक्ट हो गए। ये इल्जाम सच है। एक्चुअली मैं एक चैनल में गया था अपने फ्रेंड के साथ और उसको ऑडिशन देना था, किसी को फेस ऑफ द मंथ या कुछ इस तरह की कोई चीज़ थी। और आई वाज स्टैंडिंग देयर, तो उस बंदे ने कहा यार आप ऑडिशन दे दें। तो आई वाज लाइक नहीं, फिर मैंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। बड़ी बहन का रिश्ता है, मैं छोटी बहन पसंद आ रही है। और फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड ऑफ। वहाँ से स्टार्ट, अगले दिन उस बंदे ने नई बाइक खरीदी। आपको रोमांटिक रोल्स करना बहुत पसंद है। अभी तो किया है वैसे कोई रोमांटिक? हाँ मैंने रोमांटिक रोल्स किए हैं। और एक और बात बताऊँ मैं कवर की, ये जब हम बैठे होते हैं ना सीन नाउ, तो ये इसमें इतना बड़ा हीरो है, ये खड़े होकर डांस कर रहा होता है और फुल वो पोजेस नहीं होते हीरो वाले, इसके अंदर बहुत कूट के भरी हुई एक्टिंग ना, कूट कूट के बस बहुत जोर से आई हुई है ये सब कुछ रोल के बाद भी होता है ना। नहीं एक्चुअली हाँ आई थिंक रोमांटिक कैरेक्टर्स करना पसंद है। पहले सबसे पहले बताया इतना वक्त क्यों लिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको रोमांटिक रोल पसंद है। You just went into the space and you know staring into space. No, actually मैं सोचा था कि मुझे सारे characters करना बहुत पसंद है, but okay fine romantic भी अच्छा होता है। अच्छा अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला। आप इल्जाम, अच्छा इसलिए सच बोल रहे हैं कि आप साथ मुझे पसंद कर रहे हैं भाई मेरे साथ भी। आप इल्जाम है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ आपका स्कैंडल बन जाता है। नहीं ये बिल्कुल कोई नहीं बना, ये बिल्कुल एक इल्जाम है। आई थिंक जिससे काम करता हूँ उससे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है, बट कोई अफेयर इस तरह का स्कैंडल तो आप चाहते हैं ऐसे स्कैंडल बन जाए? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि मोहब्बत हो गई हो ऐसे साइड से किसी को, इजहार न कर सके? नहीं नहीं सेट आपकी एज में ऐसा काफी होता है। नहीं नहीं सेट्स पे मोहब्बत नहीं होती, मैं बाहर करके आ जाता हूं। वेरी कंटेंट माशाल्लाह। अच्छा आपको इल्जाम है कि आपको सेट पर मशवरे देने का बहुत शौक है। सेट्स पे मशवरे देने का शौक नहीं है, हाँ बट जो अपना सीन होता है आप खुद से, आपको पता होता है आप क्या बेहतर कर सकते हो क्या अच्छा कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली स्क्रीन पर आपने आना होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, बट नॉट मशवरे। डायरेक्टर को कहते हैं आप कैसे ऐसे कर लो? नहीं डायरेक्टर को, हु दे आर माय फ्रेंड्स। अच्छा ना कि मैं किसी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और आई एम बीइंग डायरेक्टर के सर आप ऐसे कर लें ऐसे करें, नॉट लाइक दैट। अच्छा जी, आपका इल्जाम है कि आप अपने लुक्स और मेकअप को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। यू थिंक सो? या संभल ने जवाब दे दिया तुम्हारी जगह पे एकदम। यस ये बहुत बड़ा सच है ना। ले कितना मेकअप करते हैं आप? मैं बहुत मेकअप नहीं करता बट ऑफकोर्स थोड़ा सा। तो कॉन्शियस हैं बहुत लोग? कॉन्शियस नहीं हूँ बट मतलब अंदर से एक औरत है अंदर अंदर। नहीं औरत नहीं है अंदर कोई। अच्छा चुप हो जाता है ना, कोई जवाब नहीं देता, वो ऐसे मासूम की तरह बच्चे नहीं हो सके। नहीं इस बात पे मैंने उसको गौर से देखा कि औरत है। अच्छा जी आप इल्जाम है कि आप अपने आप को डीनो मोरिया समझते हैं? नहीं मैं नहीं समझता, लोग मुझे कहते हैं कि आई रिसेम्बल्स हिम बट आई डोंट थिंक सो। I don't think so too. I met him. Yeah, you know what? You got a different face and he got a different face altogether. बड़ा होके वैसे लगेगा। बड़ा होके लगेगा। I'm not better. आप इल्जाम है कि आप पहली मुलाकात में लोगों को अपना दोस्त बना देते हैं? Yes. Yes. Fact. इनसे पहले सब दोनों ने जवाब दे देते हैं ये। हाँ मैं पहले आइडिया ले लूँ कि इस तरह है। हाँ हाँ पैसे मिले। जो लोग अच्छे हों वो डेफिनेटली आप उनसे पहली मुलाकात में दोस्त ही बनाते। पहली मुलाकात में दोस्त तो नहीं बट हाँ आप दुश्मन बना लेते हैं। नहीं एक रिलेशन काइंड ऑफ थिंग। आप लोग हम टीवी का एक्टर कहने लगे?
हम टीवी के ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए, ये बात सही है, बट हम टीवी का एक्टर नहीं हूँ, बट मैंने स्टार्ट हम टीवी के साथ किया. हम टीवी का एक्टर एक्टर नहीं हूँ, मैंने स्टार्ट हम टीवी के साथ किया था और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा काम किया. ये बात सही है कि मैंने फुल टाइम हाँ, लेकिन ये बात सही है कि मैंने हम टीवी के लिए बहुत काम किया. अभी भी जो मैं दोनों प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वो दोनों हम टीवी के लिए कर रहा हूँ. और अच्छा, आप इल्जाम है कि आपने एक्टिंग की तरफ आने के बाद रैंप पर मॉडलिंग करना छोड़ दिया. रैंप पर मॉडलिंग करना छोड़ हाँ रैंप पर मॉडलिंग करना छोड़ दिया क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर नॉट अ मॉडल. तो इस वजह से तो फिर कंग्रेचुलेशन यू बिकम एन एक्टर. आप पास हो ही गए हैं किसी तरह से. देयर इज सब सचफुल डर की सजा बिल्कुल सही है. बाकी बात हम बात करेंगे जी. अब आ जाते हैं नमान के तरफ और बहुत ही एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है. अभी भी देखिए ना हमें हंसा रहे हैं मुसलसल. आप भी कसम खा लें जितने इल्जाम आते हैं मुझको बिल्कुल सही है. ऑलरेडी मान लिया है. और इतने सारे हैं तो मैं काफी सारे भूल भी चुका हूँ. मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सवाल कुछ नहीं. एक ब्रेक का वक्त आ गया. ब्रेक इसलिए हमने लिए था कि आप वापस आए और नमान से हम लोग पूछेंगे इनके इल्जाम. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. ऐसी तरह इंडियन एक्टर्स पे बातें शायद गपशप चलती रहती हैं. मुकाबला तो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बातें हम कर रहे हैं, यू नो. चलिए जी, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था. नुमान पर इल्जाम का वक्त आ चुका है. आप रेडी हैं जी? जी मैं हमेशा रेडी रहता हूँ. सुबह 7 बजे से मैं तैयार रहता हूँ. अजी जी, आपको इल्जाम है कि आप एक बिगड़े हुए बच्चे हैं. मैं पैम्पर्ड बच्चा था, अभी भी मुझे तारीफों का शौक है. अच्छा. और शुरू में बचपन में भी था और अभी भी है. और मैं आई एंजॉय दैट. मेरी तारीफें होती है तो मैं फूला नहीं समाता खुशी से. पर अगर मुझे दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता तो मैं उस दुकान में दोबारा नहीं जाता. अच्छा. ये भी ये बिगाड़ा किसने आपको वैसे? माँ बाप भी बिगाड़ते हैं और क्या? बाकी लोग तो कोशिश करते हैं हम खुद बिगड़ जाएं. अरे जी, आप पर इल्जाम है कि आप शोबिज में किसी की सिफारिश से आए थे. हाँ. अच्छा. हाँ. किसकी सिफारिश? अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्दुल करीम बलोच साहब होते थे. अच्छा. वो जनरल मैनेजर साकी साहब के भाई. राइट. तो वो थे इस्लामाबाद में जनरल मैनेजर पीटीवी थे. तो अब्बू की बहुत दोस्ती थी. माय फादर वाज इन पीआई. तो उस जमाने में मैंने इंग्लैंड से आया था. बड़े डॉले वाले होते थे. तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती, मॉडलिंग का शौक है, वो आप करवाओ. मैं यूके में करता रहा हूँ. उन्होंने कहा बेटा मुझे मॉडलिंग शॉटलिंग का तो नहीं पता, एक्टिंग है, तुम आ जाना कल टीवी. तो बस मैं बड़ी ठूं ठां से गया था और बस वो बिस्मिल्लाह वहाँ से. तो सिफारिश ही हुई ना बेसिकली. अदरवाइज तो मैं अगर टीवी में जाता तो मुझे वो घुसने ना देते अंदर. उस जमाने में टीवी का तो ये हाल था. फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर? माशाल्लाह सक्सेस. नहीं तो मैंने दाएं बाएं खूब देखा. वो तो उससे वाकिफ है सब. अच्छा, आप पर इल्जाम है कि आप बेहतरीन स्पीकिंग स्किल्स रखने के बावजूद होस्टिंग नहीं करते. कोई बुलाता ही नहीं मुझे. कहते हैं बहुत ही बोलता है यार ये, तो होस्ट से भी ज्यादा बोलता है. तो इसलिए नहीं, आप स्पॉन्टेनियसली हैं वैसे. यू शुड डू इट. मजेदार लगे. मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई वुड डेफिनेटली लव टू डू इट. अब तो आप प्रोड्यूसर भी आप खुद कर सकते हैं प्रोड्यूसर. नहीं तो तभी तो नहीं कर सकता. अब तो मैं कहीं अपनी एक्टर कभी अपने प्ले में एक्ट करने जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी कहने लगू तुम प्रोड्यूसर हो. मैं कह यार मतलब मैं इस वक्त एक्टर के तौर पे है, नहीं तुम प्रोड्यूसर. अच्छा जी. अच्छा. अब प्रोड्यूसर चुप करके कोने में बैठा होता है और बेचारे का दिल बस जेब. हर बंदा उसको ऐसे देख रहा होता. हर बंदा ऐसे देख रहा होता चेक पे चेक. आप इल्जाम है कि आपकी आंखों में इतने पावरफुल मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो हर ऑपोजिट पोल को अपनी तरफ खींचने लगते हैं. पहले तो बहुत था ऐसे, दिन ब दिन कुछ फेड आउट होते जा रहे हैं मैग्नेट. मोतिया करने लगे हैं. अब तो मेरा बेटा भी कहता है दोनों कितने ऑपोजिट पोल खींचे अपनी तरफ. या ठहरो, कैमरा कौन सा वाला खींचे? यू हैव दैट सुपर पावर. अच्छा, कैमरे को क्लोज करना तो मैं खुद ही कर लेता हूँ. बैठो बैठो. जी, आप पे इल्जाम है कि आप बहुत जल्दी अपना टेंपर लूज कर देते हैं. पहले बहुत ज्यादा होता था, अब वक्त के साथ साथ बेहतर होता है. किन बातों पे मारा है कभी किसी को? वो एक और टाइम होता है. वो टाइम होता है जब आप नए जवान हुए होते हैं और वो आपको फड्डों का बड़ा शौक होता है. वो अलग था. मगर ये है कि मुझे मैं सिस्टमैटिक बहुत हूँ. आई एम वेरी सिस्टमैटिक.
मुझे सेट पे कभी किसी ने लेटे हुए नहीं देखा, बैठे हुए नहीं देखा. मैं आई एम ऑलवेज वॉकिंग, आई एम ऑलवेज वर्किंग. क्योंकि शायद यही चीजें हैं कि मैं 10 बजे के बाद फिर काम नहीं करता, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं बिल्कुल गिर जाता हूँ. सही बात है. तो मेरा ये होता है, मुझे आप सुबह कहेंगे ना 6 बजे पहुंचना है, तो 5:30 बजे मैं आई बी एट द लोकेशन. राइट राइट राइट. तो इस मामले में, और अगर, और शुक्र है एक दो डायरेक्टर्स कहते हैं यार इस आदमी ने हमें ठीक कर दिया, हम रातों को काम करते थे. और डाइट फूड जो है वो टाइम पे चाहिए. कोशिश करो मिल जाए. अब तो प्रोड्यूसर हूं, सब कुछ खा लेता हूं. ये आप संभल, आप भी कुछ अपनी इनपुट देंगे. सही कह रहे हैं. हाँ नहीं सही कह रहे हैं, अभी तक तो सही. सुंबल चुप है ना, तो सुंबल ना, सुंबल नहीं कहना था. सुंबल नहीं कह रहा था, समझ में गड़बड़ है. अरे जी, आप अल्जाम है कि आप एक पार्टी एनिमल हैं. ये दुरुस्त है. हाँ, ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है. पार्टी थ्रो करते हैं. और मुझे शौक इस बात का है, जिसको जैसे मैसेजेस आते हैं आपकी बेगम की तरफ से, जिसको खाने का खुद शौक होता है ना, वो दूसरे को भी अच्छा खिलाता है. तो मेरी पंजाबी है ना यार, मैं कश्मीरी हूँ. कश्मीरी मीर फैमिली. हाँ, तो फिर खाने पीने, तो खाना पीना, हुसन परस्त, और ये सारी क्वालिटीज माशाल्लाह मेरे अंदर है. तो पार्टीज में साल में 4 थ्रो करता हूँ. सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग अपने कामों में इतने फंस गए हैं कि हर बंदा काम 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 काम. तो मेरी कोशिश होती है कि सबको इकट्ठा करूं, और माशाल्लाह जब भी मैं पार्टी करता हूं सब आते हैं. सबको पता है, सिर्फ वो एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, डायरेक्टर्स, मीडिया रिलेटेड होते हैं, और दो तीन अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो भी स्पॉन्सर करते हैं उस पार्टी को. अच्छा? यार इसके हाँ सब आते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ब्रांडेड पार्टीज होती हैं. इस महीने आप लोगों को फोन आ जाए. आप इल्जाम है कि आपने अपनी मूछें उतार कर अपने फैंस को बहुत मायूस किया. ये सही है. वैसे मैंने घर वालों को भी बड़ा मायूस किया और फैंस को भी किया. क्यों? मैंने मूछें बेची हैं एक्चुअली इतने अच्छे, मैंने कुछ कुछ नहीं किया. लेकिन क्यों? वैसे डू यू वांट टू चेंज? अच्छा, होता ये है कि एक एक्टर है ना, उसको वर्सिटिलिटी चाहिए होती है. उसके साथ खेलना चाहिए, इसे अब ये करवाओ ये करवाओ. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरह हिट हो जाता है फिर सारी जिंदगी वो उसी कैरेक्टर में हो जाता है. तो मुझे जब नुमान एजाज ने उतारी, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, इज जेम ऑफ अ पर्सन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज. उसने जब उतारी तो सब ने मुझसे पूछा कि यार नुमान ने मुझे क्यों उतारी. मैं उससे पूछा यार, मैंने वो मेला, मैं तूने मुझे उतार ली, हर बंदा मुझसे पूछ रहा होता है. 2 साल बाद मैंने भी शेव कर ली, सिर्फ इसलिए कि मैं तंग आ गया था वो बडेरे चौधरी सारे जो मर्दाना टाइप कैरेक्टर. उसके बाद रखी तो आप क्या जनाना कैरेक्टर करना चाहते हैं? आई विश कि मैं कर सकूं. एक मैंने सेमाए जनाना मर्दाना किया है. वो दैट इज सपोज्ड टू बी अ कैरेक्टर, तुझ पे कुर्बान एक प्ले चलता है. बीच में कुछ सीन्स आए थे कि बगैर उस गेटअप के बोलना था वैसे, तो मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ी. मुझे उस पर अवार्ड भी मिला, एक अवार्ड लगा कि चलो मैंने एक पंगा लिया है. अदरवाइज मुल्क में पंगा लेना बहुत मुश्किल काम है. तो मैंने लिया और इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग गुड. आप इल्जाम है कि आप ख्वातीन की कंपनी में या महफिल में बड़े खुश होते हैं. मुझे आदमी नहीं पसंद. अच्छा, ये मूछें कटवा दी इन्होंने, ठीक है, मर्दाना कैरेक्टर लगता था इनको, जनाना कैरेक्टर करना चाहते थे, और आप कह रहे हैं मुझे मर्द नहीं पसंद. ये कुछ मशकूक होती जा रही है. पीछे गाना लगना चाहिए, मादा लाडला बिगड़ गया. बचपन तो ही बिगड़े हुए. मुझे ये नहीं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, आई लव ऑल ऑफ देम, मगर ये है कि मुझे ज्यादा मजा आता है खवातीन की कंपनी में. आई एंजॉय दैट. गॉसिप तो नहीं करते? गॉसिप भी नहीं होता, मगर दे हैव प्लेंटी टू टॉक अबाउट. आदमियों के पास घूम घुमा के एक दो चीजें ही होती हैं, बिजनेस, लड़की के बारे में बात कर ली या कुछ कर ली, बस उसके आगे कुछ है ही नहीं. फिर आपको खुद सोचना पड़ता है किस पे बात करें. अच्छा जी, आप इल्जाम है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर करके करके टेलीविजन इंडस्ट्री के शफकत चीमा बन चुके हैं. देखा होगा कि उन्होंने वो इतने जज्बाती हो जाते हैं एक्टिंग करते हुए. बहुत मैंने उनके साथ फिल्में भी की, और वो फाइट में भी छुरा मार लेंगे अपने आप को कटे. एक उनका सीन था, उन्होंने सांप पकड़ा हुआ ना, रियल सांप, उन्होंने गुस्से में ऐसे जज्बाती होकर मुंह में डाल लिया. मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा. जैसे अमरीश पुरी साहब है वहाँ पे, हमारे वहाँ पे, बिल्कुल ग्रेट स्टार.